नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम वार्ड प्रतिज्ञा। वार्ड प्रतिज्ञा में हम आपको रूबरू करा रहे हैं आपके जीते हुए तमाम पार्षदों से, जिन्होंने आपसे चुनाव के दौरान जो वायदे किए थे, क्या पार्षद बनने के बाद उन वादों को पूरा करने के लिए वो प्रयासरत हैं। ये तमाम बातें हम दिखा रहे हैं एवन टीवी पर प्रसारित होने वाली वार्ड प्रतिज्ञा में। वार्ड प्रतिज्ञा में पार्षद आपके सामने फिर से दोहराएंगे कि उन्होंने जो वायदे किए थे चुनाव के दौरान, उन वायदों को पूरा करने के लिए वो किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। वार्ड प्रतिज्ञा में हमारे साथ जुड़ गए वार्ड संख्या 126 के पार्षद ओम प्रकाश स्वामी। ओम प्रकाश स्वामी दूसरी बार पार्षद बने हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। मालवनगर विधानसभा क्षेत्र में उनका वार्ड आता है। ओम स्वामी से बात की हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका ने, जाना आखिरकार उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की है और किस तरह से अपने वार्ड की समस्याओं का समाधान कराते हैं। करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम के वार्ड 126 से बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश स्वामी से कि आखिर उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी चुनाव के दौरान। भाई साहब, सबसे पहले तो एमटी में आपका स्वागत है। कई बार चुनाव में जब नेता जनप्रतिनिधि लोग जाते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन कई जनप्रतिनिधि प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगर मैं जीत कर आया तो ये जो समस्या है इसका समाधान करूंगा। आप भी कोई प्रतिज्ञा लिए थे, आखिर क्या आपकी प्रतिज्ञा थी? देखो, जिस क्षेत्र से मुझे टिकट मिला है वहाँ में दूसरी बार पार्षद के लिए मुझे मतलब प्रत्याशी बनाया गया है, तो मैंने सबसे पहले ये प्रतिज्ञा ली थी कि आज से 30 साल पहले इस क्षेत्र के अंदर सीवर लाइन डली हुई थी। लोगों को सबसे ज़्यादा सीवर लाइन की समस्या थी। एक एक चैम्बर के अंदर 8-8 लोगों को जोड़ रखा था और जिन्होंने उनको जोड़ा हुआ था वो आगे से आगे यूँ करके 32 लोगों का एक चैम्बर बन जाता है, तो ये समस्या दिन प्रतिदिन आ रही थी। तो मैंने ये प्रतिज्ञा ली गई थी कि मेरे क्षेत्र में जीतने के बाद में सबसे पहले सीवर लाइन की जो समस्या है उससे मैं निजात दिलाऊंगा, नई सीवर लाइन डलवाऊंगा और जो पार्क जिनका मेंटेनेंस नहीं है उन पार्कों को मैं ठीक करवाऊंगा। स्वच्छता भी सफाई की तरफ से बीजेपी की तरफ से जो एक बना रखा है, कॉन्ट्रैक्टर कर रखा है, उसका भी कचरे का जो निस्तारण है वो पहले जो निगम का बोर्ड नहीं था 12 महीने के अंदर, उस वजह से वो भी लचर व्यवस्था चल रही थी। तो एक तो कचरे की व्यवस्था देखते हुए कचरे का निस्तारण, और स्वच्छ भारत तो हमारा भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी का है ही है। इसके साथ साथ मैंने ये तय किया था कि जैसे ये 1 साल के अंदर अंदर मेरे वार्ड के क्षेत्र की जो सीवरेज लाइन है उसको मैं चेंज करवाऊंगा। उसके लिए आपने काम शुरू कर दिया होगा, और क्या उसके लिए मैंने महापौर जी को और माननीय कमिश्नर जी को, इनको सबको मैंने वो बना करके दे दिया है और एस्टिमेट भी बनाया था, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार है, अब वो पता नहीं उसके अंदर क्या इनकी मंशा है। इस बात पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार है, अभी से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है सफाई कर्मियों को लेकर। तमाम बीजेपी पार्षद और मेयर ने भी कई बार कहा कि हेरिटेज की तुलना में ग्रेटर को कम दिए गए, ऐसे में एक चुनौती रहेगी, किस प्रकार से काम करा पाएंगे, क्योंकि वोट तो आपका लेकिन सरकार आपकी नहीं, ये चुनौती रहेगी आपके सामने? नहीं, चुनौती जरूर रहेगी, लेकिन हम कमिश्नर से रिक्वेस्ट करेंगे, उसके साथ सरकार के पास जाएंगे, अगर हमारा जो बजट है नहीं दे रहे हैं और जनता, जैसे आज ही आपने देखा 28,000 करोड़ का जैसे उन्होंने लैप्स कर दिया, किस आधार पे आज जो जनता परेशान हो रही है, जनताओं को ये अपने विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात भी एक ख़त्म कर दिया गया, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वायत्त शासन मंत्री जी के पास वहाँ जाएंगे, सरकार का एजेंडा लेकर के जाएंगे, जनता परेशान नहीं हो, जनहित में जो काम होगा हम वो काम करेंगे, अपने वार्ड को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। हाँ जी, जरूर। एक कहीं ना कहीं कचरा संग्रहण को लेकर, जैसे आपने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कचरा नहीं उठ रहा था, जब से जिस प्रकार से बोर्ड के जो कार्यकाल पूरा हो गया था, अब कहीं ना कहीं बीवीजी कंपनी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीवीजी कंपनी सही तरीके से साफ सफाई नहीं करा पा रही है, क्या देख किस प्रकार से देख? नहीं, बीवीजी कंपनी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, उसका कारण ये है कि एक तो प्राइवेट जो लोग जिनमें गलियों में लगे हुए हैं वो कचरा डालते हैं, वहाँ से वो कचरा नहीं उठा पा रहे हैं, अलग अलग जगह पे डिपो नहीं होने चाहिए, पूरे वार्ड के अंदर डिपो बना दिए, कम से कम 20 डिपो बना दिए, अगर यही व्यवस्था पहले रहे, और फिर बीजेपी का मतलब क्या, घर घर से कचरा संग्रहण का काम बीजेपी को दे रखा है और बीजेपी अगर उस काम को निस्तारण सही ढंग से नहीं कर पा रही है तो हम उसका विरोध करेंगे, सही ढंग से उसको करना पड़ेगा, कचरा उठाना पड़ेगा, घर घर से भी कचरा लेना पड़ेगा, डिपो जितने हैं वार्ड के अंदर उन डिपो को हम खत्म करेंगे, पहले कर चुके हैं, लेकिन अब बीच में 1 साल प्रशासक बैठा हुआ था, उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया, इस कारण वो जगह जगह डिपो बन चुके हैं।
तो ये है बीजेपी पार्षद ओम प्रकाश स्वामी। इनके वार्ड में जो सबसे बड़ी समस्या है वो सीवरेज की समस्या, क्योंकि 30 साल पहले की सीवरेज लाइन है और अब कहीं ना कहीं पुरानी होने के चलते वो आए दिन चौक हो जाती है। इसी से इनके क्षेत्र की जनता परेशान है और इन्होंने वादा किया था और एक प्रतिज्ञा ली थी कि अगर वो पार्षद बनते हैं तो इनके वार्ड में सीवरेज की नई लाइन डलवाएंगे और इसके लिए इन्होंने काम भी शुरू कर दिया।